चेयरमैन लेवल लेने के साथ पापा ने थाईलैंड का ट्रिप भी किया। कार है हमारे पास, हमारा घर है, अच्छा सब कुछ अच्छा था। लेकिन 20 अगस्त को मेरे पापा मीटिंग के लिए गए थे ओजा सर से मिलने के लिए, वहाँ पे सडनली तबियत बिगड़ा और पापा नहीं रहे। उस वक्त के बाद से हमारी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि हम लोग पापा के साथ रहते थे लेकिन बिजनेस मीटिंग सीखते थे, लेकिन हम लोग काम नहीं करते थे। और सडनली, क्योंकि हमको तो ये समझ भी नहीं आया था कि हमें ये सब करना पड़ेगा इतने जल्दी, तो पापा हम लोग को ऐसा ट्रेनिंग हमेशा देते थे, लेकिन हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग इतनी जल्दी इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। हमने काम शुरू किया और हमें बहुत सारी डिफिकल्टी आई। 6 महीने के समय में हमने अपने लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन डिफिकल्टी बहुत आई। कईयों ने हमें कहा ना कि आपको तो आपके पापा का लेवल मिल गया है, विरासत में आपको लेवल मिला है, ये चेयरमैन का भी लेवल मिला था, विरासत में मिला है, इसी वजह से लोग आज चेयरमैन बन के घूम रहे हैं। इनका कोई पावर नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों को विरासत में मिला है। मैं उन लोगों को बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, विरासत में आपको लेवल अगर मिला है तो आपके बच्चों को विरासत में लेवल दीजिए। कश्मीर ट्रिप और जितने भी टिप्स या जितने भी अचीवमेंट्स मिलने चाहिए थे आईएमसी से इस साल 2021-22 में, वो सारे अचीव कर लिया है। तो आज मैं अपने पापा को थैंकफुल बोलूँगी कि उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ मिला है, कि आज हजारों लोगों के सामने बोलने का मौका मिला।